किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं विपिन यादव। हर दिन के भांति आज भी हम आपके बीच में खेत खलिहान की बहुत सारी जानकारियों को लेकर हाजिर हो चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हर दिन एक नए विषय पर बात करते हैं। आज भी एक ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर हम बात करने वाले हैं। आज का विषय जो है वो है एकीकृत पोषक प्रबंधन। जी हाँ, रबी फसलों का सीज़न अभी चल रहा है और ऐसे में हमें जो एकीकृत पोषक प्रबंधन है वो किस तरीके से करना है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इस विषय पे आज हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए डॉक्टर शीशराम जाखड़ जी, जो कि कार्यक्रम सहायक हैं मृदा विज्ञान केवी के रतलाम से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज जो विषय है हमारा एकीकृत पोषक प्रबंधन रबी फसलों में, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये होता क्या है, एकीकृत पोषक प्रबंधन जो शब्द होता है इसका क्या महत्व है? देखिए, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पद्धति में फसलों को आवश्यक पोषक तत्वों का कार्बनिक, अकार्बनिक एवं जैविक घटकों का समुचित प्रयोग करते हुए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनकी उचित मात्रा में उपलब्ध करवाना होता है जी। बिना किसी एनवायरनमेंट के दुष्प्रभाव को, मानव स्वास्थ्य को, या फिर ये कह सकते हैं कि भूमि के स्वास्थ्य को बिना किसी हानिकारक प्रभाव पहुँचाए हुए जी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमें नत्रजन व फास्फोरस की यदि पौधों को पूर्ति करनी है तो केवल हम यूरिया वह DAP से नहीं करके जैविक खादें, बायोफर्टिलाइज़र, FIM, हरी खादें, फसल अवशेष इत्यादि का एक समुचित मात्रा में प्रयोग करते हुए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए। इस प्रणाली को हम एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पद्धति कहते हैं जी। तो इस प्रणाली को हम एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं। अगर थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया वो एक्चुअली में ये होता है कि जैसे हम आहार लेते हैं, हम खाना खाते हैं, तो हमें किस तरीके से हमारा जो खाना है वो खाना है, पोषक तत्व जो खाना होता है वो हमें किस तरीके से खाना है, वैसे ही हमारी फसलों को हमें जो पौष्टिक आहार होता है वो देना है। अब उस आहार को किस क्रमबद्ध देना है वो सर ने बताया कि चाहे फसल अवशेष हो, हरी खाद हो, जैविक जो खाद हो उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का रासायनिक पे भी डिपेंड नहीं रहना है हमें। रासायनिक खाद तो सब लोग अभी यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा कह सकते हैं हम ये विषय है इस पर चर्चा करने के लिए। तो महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि आप किस तरीके से इनका उपयोग करते हैं। सर, आवश्यकता की बात अगर हम करें तो इसका क्या आवश्यकता क्यों पड़ रही है इसकी? देखिए, आज वर्तमान समय में प्रत्येक किसान भाई यह अपेक्षा कर रखता है कि उसके संपूर्ण क्षेत्र से अधिक पैदावार हो, बिल्कुल गुणवत्ता युक्त हो। वर्तमान समय में जब प्रारंभ में खेती होती थी तो रासायनिक खादों की उपलब्धता नहीं थी जी, तो जैविक खादों का प्रयोग होता था, परंतु अपेक्षाकृत फसल उत्पादन नहीं पहुंच पाता था। 60 के दशक में हरित क्रांति का आगमन हुआ, धीरे धीरे रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ता गया। शुरू में यूरिया का ही प्रयोग होता था जी। उसके बाद में DAP का प्रयोग होने लगा, उसके बाद में पोटाश का प्रयोग होने लगा। हम मुख्य पोषक तत्वों का तो पूर्ति करते रहे फसलों को, लेकिन वर्तमान समय में स्थिति यह आ गई कि इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की हमारे पूरे रतलाम जिले में जो मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी देखी गई है। एक तो इस कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है, दूसरा जो रासायनिक खाद है उनके जो बढ़ते हुए मूल्य हैं उनका विकल्प के रूप में जो दूसरी खादें हैं उनके लिए आवश्यक है, तीसरा यह है कि इनके कुछ दुष्परिणाम हैं, यानी कि जो अनुशंसित की जाती है मात्रा कहीं ना कहीं उससे अधिक मात्रा प्रयोग की जाती है जी। तो उसका जो हानिकारक प्रभाव रहता है भूमि पे, मान लीजिए मानव स्वास्थ्य पे या पर्यावरण पे, तो उस दुष्परिणाम को या दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है। गुणवत्ता युक्त और लाभदायक उत्पाद प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल। और जो भूमि है उसको कुपोषण व रोगों से बचाने के लिए आवश्यक, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं वाकई में, ये चीज़ें हमें
वास्तव में याद रखना चाहिए। जैसे हम खेती करते हैं, किसानी करते हैं, आजकल तो वैसे बहुत सारे युवा किसान भी अब खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, वो भी ये चीज़ समझने लगे हैं। दुष्प्रभाव क्या है, इनको भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि रासायनिक तरीके से अगर हम खेती करते हैं तो इसके काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। पर्यावरण को भी हमें देखकर हमें खेती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम हमारी आय को तो दोगुना कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो कार्य है उसको करने से पर्यावरण को भी जो है नुकसान ज़्यादा ना पहुँचे, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। सर, प्रमुख घटक की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत सारे घटक हैं इसमें, प्रमुख घटकों की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं? देखिए किसान भाइयों, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन में जो मुख्य घटक की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं रासायनिक खाद। जी, रासायनिक खाद में अनेक प्रकार के खादों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक खाद जो हैं तत्काल प्रभाव से किसी भी पोषक तत्व की पूर्ति के लिए किसान भाई अप्लाई करते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन इनके लगातार प्रयोग करने से भूमि की जो भौतिक दशा है, रासायनिक दशा है, जैविक दशा है, कहीं ना कहीं जो है कम हुई है। बिल्कुल। जो उत्पादक क्षमता है भूमि की, वो कहीं ना कहीं कम हुई है। जी। तो इसके अलावा विकल्प में अगर हम बात करते हैं अन्य घटकों में, तो जैविक खादें हैं, कई प्रकार की जैविक खादें हैं, जैविक फर्टिलाइजर जिन्हें बायो फर्टिलाइजर या कल्चर खाद कहते हैं, हरी खाद हैं, या फिर ये कहें कि फसल अवशेष हैं, कई प्रकार के जो हैं इसके मुख्य घटकों में आते हैं। तो ये वाकई में एक बहुत विशेष बात है। अच्छा, इनमें जैसे आपने प्रमुख घटकों की बात की, रासायनिक जो घटक हैं उनकी बात की आपने, जैविक घटकों की बात की, और फसल अवशेष जो कि एक महत्वपूर्ण घटक इसलिए है क्योंकि ये कहते हैं फ्री की चीज़ है ये, क्योंकि हमारी खुद फसलों का ही अवशेष है तो इसमें हमें कोई मूल्य नहीं चुकाना है, तो ये एक प्रमुख घटक है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम रासायनिक जो घटक हैं उनके बारे में बात करेंगे। सर, ये एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात होती है, हमारे बहुत सारे किसान भाइयों का ये सवाल भी रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रासायनिक जो खाद हैं या फिर रासायनिक जो जिन्हें हम क्रिया कह सकते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, चाहे वो फिर खादों की बात हो, पोषक की बात हो, या फिर अन्य कीटनाशकों की बात हो, वो एक अलग ही पूरा विस्तार पूर्वक एक विषय है। तो रासायनिक अगर हम खाद की बात करें तो क्या इन्हें किसी अनुशंसित मात्रा में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और वो अनुशंसित मात्रा कितनी होती है? जी बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया है। वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि किसान भाइयों को ये पता नहीं रहता है कि कौन सी फसल में कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक तत्व दिए जाते हैं। बिल्कुल। इसके लिए मैं किसान भाइयों से यह आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले किसान भाई अपना खेत का मृदा नमूना जांच अवश्य करवाएं। जी। उसमें किसान भाई जो भी फसल लगाते हैं उसकी वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसा दी जाती है। जी। कि आपको जैसे गेहूं की फसल किसान भाई लगा रहे हैं तो उसमें आपको 120 किलोग्राम नत्रजन देना है, 60 किलोग्राम फास्फोरस देना है और 40 किलोग्राम पोटास देना है। जी। इसी प्रकार से है, सरसों की फसल अगर कोई किसान भाई लगा रहे हैं तो उसमें 80 किलोग्राम नत्रजन देना है, 40 किलोग्राम जो है फास्फोरस देना है और 20 किलोग्राम पोटास देना है। ऐसे ही यदि कोई किसान भाई चने की फसल लगा रहे हैं तो 20 किलोग्राम नत्रजन देना है, 40 किलोग्राम फास्फोरस देना है और 20 किलोग्राम पोटास देना है। और भी मुख्य फसलें हैं जो कि आप 3 साल में एक बार जो है आपका मर्दा नमूना जांच करवाएं, जिससे कि जो वैज्ञानिक रिकमेंड करते हैं कि आपको इतना इतना खाद जो है समय समय पर देना है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी उसके जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आता है उसमें दी जाती है। जी। अब सर, ये तो हुई रासायनिक विधि की बात, अब हम जैव जो जो खाद होता है उसके अगर हम जैविक जो खाद होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सा होता है सर, और किस तरीके से हम हमारे किसान भाइयों को बता सकते हैं? सर, मैं किसान भाइयों को जानकारी देना चाहूँगा कि जो जैविक खाद या जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, जो मुख्य बायो फर्टिलाइजर जिन्हें कल्चर खाद भी कहते हैं, इसमें करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन या
मृदा में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का अघुलनशील अवस्था से पौधों को घुलनशील अवस्था में लाकर पोषण के लिए प्रदान करते हैं। ये जो जैव उर्वरक हैं उनका हम बीज उपचार करके, मृदा उपचार करके, पौध या जड़ उपचार करके हम पौधों को पोषण के लिए दे सकते हैं जी। साथ ही इनकी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है किसान भाइयों, 10 ग्राम या 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। यदि किसान भाई मृदा उपचार करना चाहते हैं तो 2 किलोग्राम या 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हम मृदा उपचार करते हैं। यदि रासायनिक खादों के साथ साथ में जैविक या जैव फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का हम प्रयोग करते हैं तो जो फास्फोरस है, नत्रजन है, पोटास है, जिंक है आदि को घुलनशील करने वाले जीव हैं, वो कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की जो क्षमता है उसको बढ़ा देते हैं ये। और इनके लाभ से, इनके जो मुख्य लाभ ये रहता है कि ये जो रासायनिक खाद हैं उनका 10-30% पूर्ति में ये सूक्ष्म जीव योगदान देते हैं। दूसरा लाभ ये है किसान भाइयों, कम से कम आपकी जो फसल उत्पादन है 25-30% आपकी फसल उत्पादन में वृद्धि करते हैं, आपकी फसल में जो है वृद्धि में सहयोग करते हैं। आधी लाभ जो है बायोफर्टिलाइजर के करने से मिलते हैं। ये सबसे सस्ते होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर तो हमारी फसल अवशेषों से मिलते हैं हमें, तो ऐसे में अगर हमें खर्च नहीं करना है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और हमें मुनाफा ज़्यादा दें तो और अच्छी बात है। इस पर हमें विचार करना चाहिए और इसको अमल भी करना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद इस विषय पर और चर्चा होगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है, साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। ना सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है।
इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैनकाउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2 गुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शीशराम जाखड़ जी, जो कि कार्यक्रम सहायक हैं KVK रतलाम से। सर, हम लोग ब्रेक से पहले बात की हमने, जो एकीकृत पोषक प्रबंधन है उनके बारे में हमने बात की है। जैसे हमने रासायनिक के बारे में बात की, हमने जैव उर्वरक जो होते हैं उनके बारे में हमने बात की, जैव और एक जैविक, जी सर, क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं और किस रूप में हमें अलग अलग देखते हैं? देखिए सर, दो चीज़ें हैं। जैव उर्वरक या जिसे बायोफर्टिलाइजर कहते हैं, इसमें सिर्फ कल्चर का ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा। यानी कि इसमें सूक्ष्म जीवों का एक तरल में या फिर एक पाउडर फॉर्म में जो है खाद आते हैं जी, उसमें किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं रहते हैं, सिर्फ एक जीवों का मिश्रण रहता है जिसको बीज उपचार, पौध उपचार, मृदा उपचार के माध्यम से प्रयोग करने से किसान भाइयों की जो मृदा में या वातावरण में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ये चीज हो गई बायोफर्टिलाइजर या जैव उर्वरक। इसके अलावा बात होती है कि जैविक खादें, तो जैविक खादें जैव उर्वरक से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैविक खादें अगर हम किसान भाई प्रयोग करते हैं तो जैविक खादें मृदा में दो चीजें मुख्यतः करते हैं, एक तो जैविक कार्बन या जैविक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाते हैं, दूसरा पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। जैविक जो है बायोफर्टिलाइजर है, वो जो जीव है, अलग अलग स्पीसीज होती है जी। जो मुख्यतः बायोफर्टिलाइजर है राइजोबियम है जी, जो कि एक सहजीवी नत्रजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम तक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे एजेक्टोबैक्टर, जो धान्य फसलें हैं जैसे गेहूं है, इन फसलों में ये जो जीव हैं नाइट्रोजन का लगभग 24 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसके अलावा एक जीव और हैं एजोस्पारिलम, जो कि 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करते हैं। इसके अलावा फास्फोरस की हम बात करते हैं, तो फास्फोरस को यदि कोई किसान भाई खेत में प्रयोग करता है तो फास्फोरस की एक प्रवृत्ति होती है कि ये एक अंचल होता है जी। अंचल होता है कि मतलब ये पौधों की जड़ें अगर
फास्फोरस पोषक तत्वों के पास में गई तो ही जड़ें ले पाती है, अन्यथा वो जमीन में फिक्स हो जाता है। इसके लिए किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि एक पीएसबी कल्चर आता है उसका बीज उपचार करके ही बुआई करें, ताकि फास्फोरस पोषक तत्व की दक्षता को बढ़ाया जाए। बिल्कुल। इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं जैविक खादें, तो जैविक खादे में मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैविक खादे में जो हम प्रयोग करते हैं हरी खाद जो है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, बायोगैस सैलरी है, मिर्गी की खाद है, इन सब खादों का प्रयोग जो है जैविक खादों में किया जाता है। जैसे हम बात करेंगे जो मुख्य तौर पे की जाती है वो है वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद। जैसा कि किसान भाइयों नाम से ही विंदित है कि केचुओं द्वारा तैयार किया गया खाद, उत्तम क्वालिटी का खाद ही केचुआ खाद कहलाता है। जी। यदि हम केचुआ खाद को प्रयोग करते हैं खेत में तो उसके बहुत सारे लाभ किसान भाइयों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहला और मुख्य लाभ यह है, यदि हम केचुआ खाद खेत में प्रयोग करते हैं तो जो रसायनों का दुष्प्रभाव है जमीन पे या मानव स्वास्थ्य पे या जो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता है जी, उसको बढ़ाने के साथ साथ ही जमीन की या भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म में परिवर्तन लाकर उसको अच्छा कर देता है। तो ये जो आज हमने चर्चा की है ये बहुत बड़ी चर्चा होना चाहिए, लेकिन समय का अनुबंध जो है वो बंधा हुआ है। मेरे बहुत सारे सवाल हैं, एक्चुअली मेरे नहीं, हमारे किसान भाइयों के बहुत सारे सवाल हैं जो रह गए हैं। क्योंकि अब समय भी कम है तो अंतिम में सर बस यही पूछना चाहूँगा कि अंतिम में आप क्या किसान भाइयों को सलाह देना चाहेंगे संक्षिप्त में। जी देखिए किसान भाइयों, वर्तमान समय में रासायनिक खादों के अनुचित मात्रा में प्रयोग करने से मृदा स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य तीनों ही खतरे में है। अधिक से अधिक और वांछित फसल उत्पाद लेने के लिए आप एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का प्रयोग करें, साथ में जैविक खेती की ओर अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ। इसी शुभकामना के साथ में किसानों को संदेश देना चाहते हैं, हम भी यही कहना चाहते हैं। किसान भाइयों आज जो जानकारी मिली है निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और आप कृपया कर इस पर अमल ज़रूर करें, क्योंकि इस तरीके से अगर हम खेती करेंगे तो हमारी सबसे पहले तो पर्यावरण को जो प्रदूषण हो रहा है वो हम बचा सकते हैं, दूसरा हमारा मिट्टी जो है उसको कहीं ना कहीं हम सुरक्षित रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, दूसरा जिस मिट्टी से हम अनाज उगाते हैं वो अनाज हम जब खाते हैं तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, तो संपूर्ण तरीके से हम जो है वो अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो किसान भाइयों आज जिस विषय पर हमने बात की उसमें इतना ही। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है। किसान भाइयों आज बस इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप बने रहिए खबरें खेती के साथ में। नमस्कार किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। उर्वरकों की कमी नहीं होगी, जीरो टिलेज तकनीक से गेहूं की सीधी बुआई, रबी फसलों को तना छेदक कीट से बचाएं, नीम उपयोगी जैविक कीटनाशक, सब्जी बगीचा से आर्थिक लाभ कमाएं। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ देश भर में उर्वरक उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करते हुए आश्वासन दिया कि देश भर में उर्वरक का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है और इनकी कोई कमी नहीं है। आभासी रूप से आयोजित इस समीक्षा बैठक में 18 राज्यों के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया, ये देखते हुए कि किसानों और कृषि क्षेत्र की उर्वरक आवश्यकताओं का प्रबंधन केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ड्राई अमोनियम फॉस्फेट के लिए किसानों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछले कुछ महीनों के दौरान सहयोगात्मक प्रयासों के लिए राज्यों के प्रति आभार व्यक्त किया है, जब कई राज्यों में डीएपी की मांग बढ़ी थी।
कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा पहली बार बिना जुताई के जीरो टिलेज मशीन से सीधी गेहूं की बुआई गांव कोड़िया हसगोरा बटवा में 5 किसानों के खेतों पर सिमिट संस्था के पायलट परियोजना के तहत प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर बी एस किरार, वैज्ञानिक डॉक्टर आर के प्रजापति, डॉक्टर यू एस धाकड़ एवं जयपाल छिगारा द्वारा प्रदर्शन क्रियान्वित कर किसानों को समझाया गया। इस प्रदर्शन में श्री राम कंपनी की गेहूं की किस्म सुपर 303 के प्रदर्शन डाले गए हैं। जीरो टिलेज तकनीक के अंतर्गत खरीफ फसल की कटाई के बाद खेत की बिना जुताई कर सीधे मशीन द्वारा बुआई की जाती है, जिससे किसान की जुताई का खर्चा बच जाता है। फिर अंकुरण के लिए सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, अन्यथा एक हल्की सिंचाई करनी पड़ती है। जलवायु समुत्थालीनशील कृषि परियोजना का उद्देश्य है कि खेती में पानी बचत तकनीक को ही बढ़ावा देना है। तना छेदक कीट का प्रकोप रबी की फसलों में कभी कभी दिसंबर से मार्च के मध्य देखा जाता है। इस कीट की क्षति अवस्था इल्ली होती है, जो गुलाबी सफेद रंग की होती है तथा व्यस्क भूसे के रंग की होती है। इल्ली तने में सुरंग बनाकर क्षति पहुंचाती है, जिससे प्रकोपित पौधे सूख जाते हैं या कल्ले कम खिलते हैं तथा दानों का भार कम हो जाता है। इसके नियंत्रण हेतु फसल चक्र अपनाएं। बुआई के समय फॉरेट 10G की 12 से 15 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिलाना चाहिए। खड़ी फसल में कीट प्रकोप होने से ट्राइजोफॉस 40EC की 800 मिलीमीटर मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जैविक खेती में नीम का उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। नीम बीज का उपयोग जैविक कीटनाशक बनाने में किया जा रहा है। नीम बीज की गुठली को हल्के हाथ से पीसें, इसे 10 लीटर पानी में रात भर भिगोकर रखें। सुबह घोल को लकड़ी के डंडे से हिलाएं ताकि घोल दूधिया सफ़ेद हो जाए। मलमल के कपड़े की दोहरी परत के माध्यम से घोल को छाने और मात्रा को 100 लीटर बना दें। 1 लीटर पानी में 1 किलो डिटर्जेंट से पेस्ट बनाएं और फिर इसे छिड़काव के घोल में मिला दें। छिड़काव का घोल अच्छी तरह से मिलाकर उसका उपयोग करें। ध्यान रखें कि 8 महीने से अधिक उम्र के बीज का उपयोग ना करें। हमेशा ताजे तैयार किए गए नीम के बीज के गूदे का उपयोग करें। प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के लिए अर्क का छिड़काव दोपहर में 3:30 बजे के बाद करें। सब्जी बगीचा का आकार भूमि की उपलब्धता और व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। 4 या 5 व्यक्ति वाले औसत परिवार के लिए 1 एकड़ जमीन पर की गई सब्जी की खेती पर्याप्त हो सकती है। सर्वप्रथम 30 से 40 सेंटीमीटर की गहराई तक कुदाली या हल की सहायता से जुताई करें। खेत से पत्थर, झाड़ियों एवं बेकार के खरपतवार को हटा दें। खेत में अच्छे ढंग से निर्मित 100 किलोग्राम कृमि खाद चारों ओर फैला दें। आवश्यकता के अनुसार 45 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ या क्यारी बनाएं। सीधे बुआई की जाने वाली सब्जी जैसे भिंडी, पालक एवं लोबी आदि की बुआई मेड़ या क्यारी बनाकर की जा सकती है। 2 पौधे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाना चाहिए। प्याज, पुदीना एवं धनिया को खेत की मेड़ पर उगाया जा सकता है। प्रतिरोपित फसल जैसे टमाटर, बैंगन और मिर्ची आदि को 1 महीना पूर्व में नर्सरी बेड या टूटे मटके में उगाया जा सकता है। तो किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।